हुए थे सर, मैंने ज़बरदस्ती सबको बुलाया। एक आदमी था ज्योति कुमार करके, ज्योति कुमार, सब लोग ध्यान से इसको कवर कीजिए, ज्योति कुमार एक कंपाउंडर था वहाँ पे। कौन से हॉस्पिटल का? ग्लोकल, ग्लोकल, ग्लोकल हॉस्पिटल भागलपुर, ज्योति कुमार कंपाउंडर है वहाँ का, मतलब जो अटेंडेंट सब होते हैं ना वो है, लड़की नहीं है, लड़का है ज्योति कुमार। उसको मैंने रिक्वेस्ट किया कि भैया प्लीज़ आप मेरे हस्बैंड की मदद कर दीजिए, रात में ये लोग रुकने नहीं दे रहे हैं मुझे अपने पास, इस इनके पास। उसने बोला ठीक है ज़रूर मदद करूँगा ये कह के, और मैं अपने हस्बैंड से बात करने लगी, इशारे से ही वो बात कर रहे थे, मैं बोल रही थी, अचानक से मेरा दुपट्टा खिंचाया बहुत ज़ोर से, मैंने सोचा क्या हो रहा है, जब मैंने पीछे मुड़ी तो मेरे कमर पे उस आदमी का हाथ था और मेरा दुपट्टा वो ज्योति कुमार खींच रहा था। मेरी माँ पीछे से चिल्लाई, मेरे हस्बैंड ऐसे ऐसे होने लगे, पूरा पसीना उनको चल गया, कुछ बोल नहीं पा रहे थे वो। जब हम लोग ठीक थे ना, मैं बाहर निकलती थी ना, कोई मुझे ऐसे देखता था ना नॉर्मली ही, तो कहते थे आँख निकाल लूँगा, क्या सोच के इसको देख रहे हैं। और मेरे हस्बैंड उस दिन बेड पे पड़े हुए देखते रहे कि मेरी वाइफ का कोई दुपट्टा खींच रहा है, और जब मैंने उस आदमी को देखा ना तो वो मुस्कुरा रहा था, मैंने ऐसे दुपट्टा खींचा और मैं कुछ नहीं बोल पाई डर से कि मेरे हस्बैंड यहाँ पे है, मेरी माँ यहाँ पे है, ये लोग कुछ कर देगा, इस डर से मैं कुछ नहीं बाहर निकली। मैं बाहर निकल के मैं धाम से बैठ गई, वो आदमी मेरे पास फिर आया, मुस्कुरा के बोला मैं ध्यान रखूंगा। मैंने बोला ठीक है भैया आप ध्यान रखना, मैंने कुछ नहीं बोला उसको, कुछ भी नहीं। दो तीन दिन बाद ऐसी कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं। मेरे हस्बैंड की तबीयत उस दिन से बिगड़ी, जब रात के 2 बजे में मेरी मदर के बगल वाले बेड पे एक अंकल, मास्क उनका हट गया था, और वो अंकल चिल्ला चिल्ला के नर्स को बुला रहे थे, और मेरी मम्मी चिल्ला रही थी जल्दी आइए ये मर जाएंगे, जल्दी आइए ये मर जाएंगे, कोई नहीं आया और अंकल ने दम तोड़ दिया। ऐसे 3-4 लोग उस 2-3 दिन के अंदर दम तोड़े हैं बिना केयर के, बिना नर्स के आए। सारी नर्स टेबल कुर्सी लगा के सो जाती थी, कहती थी पागल हो गए हैं हम ही, अब मर जाएंगे इस कोरोना के चक्कर में, अब तो क्यों जॉब कर रहे हो, छोड़ दो आपकी जगह कोई और आ जाएगा। उसके बाद वहाँ से ले बाईपास वहाँ उस हॉस्पिटल में नहीं अवेलेबल था। मेरे हस्बैंड की तबीयत इतनी बहुत ख़राब हो गई, उन्होंने मायागंज रेफ़र कर दिया, भागलपुर मायागंज हॉस्पिटल। हम लोग अभी मायागंज आए, मायागंज की और हालत ख़राब, ICU में 4 बेड था, मेरे हस्बैंड के बगल वाले बेड पर